देखो, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक भारत का भौगोलिक विभाजन या फिर ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर भारत का क्या है, इस पे बात कर रहे थे। तो 6 भागों में इसको पूरा बांटा गया था। पीछे क्लास में ये डिस्कशन हुआ था, कितने भाग में? 6 भाग में से एक भाग इसका सबसे पहले हम कवर किए थे, जो सबसे पहले हिमालयी भाग या उत्तर पूर्वी हिमालय या भारत के हिमालय के बारे में। उसके बाद से डिस्कस किए थे हिमालय से निकलने वाली नदियों के अवसादों के निक्षेपण के कारण ये उत्तर भारत के विशाल मैदान का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो दूसरा ये डिस्कस हुआ था। इसके साथ साथ हम दक्षिणी और सॉरी पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में भी बात किए थे। अब तीसरा हम बात कर रहे थे, इसका जो भाग है वो प्रायद्वीपीय भारत की हम बात कर रहे थे, जो ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से या भौगोलिक विभाजन के हिसाब से इसका तीसरा पार्ट है, जिसमें हम बात कर रहे थे किसके बारे में, प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। तो एक बात और डिस्कस हुआ था कि प्रायद्वीपीय भारत को अध्ययन के दृष्टि से पहले हमने 4 भागों में इसको बांट लिया था, याद है कि भूल गए? ठीक है, तो इसको 4 भागों में बांटे थे हम। केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार और दक्कन का पठार। ठीक है, केंद्रीय उच्च भूमि में 7 स्ट्रक्चर डिस्कस हुआ था, अरावली माउंटेन के बारे में, मेवाड़ के पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, उसके जस्ट नीचे विंध्यन पर्वत श्रेणी, उसके जस्ट नीचे सतपुरा पर्वत श्रेणी। उसके बाद से पूर्वी पठार में देखे थे छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन या महानदी बेसिन, और उसके बाद से दंडकारण्य का पठार, ये पीछे क्लास में डिस्कस हुआ था। उसके बाद से कल वाले क्लास में डिस्कस हुआ था उत्तर पूर्वी पठार, जो स्पेशली विस्तार या एक्सटेंशन है प्रायद्वीपीय भारत का ही या प्रायद्वीपीय पठार का ही, जो मालदा गैप या राजमहल गारो गैप के द्वारा अलग होता है, और इसमें मेघालय के अंतर्गत आने वाले 3 माउंटेन्स, छोटी छोटी पहाड़ियों के बारे में डिस्कस किए थे, जिसका नाम है गारो खासी और जयंतिया। ठीक है, तो इसके बारे में बात हो गया था। और नेक्स्ट हम बात कर रहे थे दक्कन के पठार के बारे में, यानी दक्षिण भारत में जो दक्कन का पठार है, जिसके बारे में डिस्कशन हमारा चालू हुआ था। तो दक्कन के पठार में भी देखे थे कि इसको 3 भाग में बांटा गया था, दक्कन ट्रैप, फिर उसके बाद कर्नाटक का पठार और फिर आंध्रा का पठार। तो ये सारा डिस्कशन में हमारा हो गया था। ठीक है, अब आज के क्लास में हम देख रहे हैं कि जो भारत की और कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं उसके बारे में बात करेंगे, स्पेशली पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और दक्षिण भारत में कौन कौन सी छोटी मोटी पहाड़ियां हैं, इसके बारे में ये पूरा मानचित्र में आपको दिखाया गया कि कहाँ पे कौन से माउंटेन है। तो ऊपर देखेंगे तो इसके बारे में तो सब पढ़ लिया है, ये अरावली माउंटेन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है अरावली माउंटेन, फिर इधर जाओगे तो विंध्यन माउंटेन, विंध्यन माउंटेन का ही एक्सटेंशन यहाँ पे कैमूर की पहाड़ी और रोहतास की पहाड़ी, बिहार के जो दक्षिण पश्चिमी इलाका है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कैमूर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट है तो उसका विस्तार देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद से बात किए थे सतपुड़ा माउंटेन के बारे में, 7 छोटी छोटी पहाड़ियों का समूह है, इसलिए इसको सतपुड़ा माउंटेन कहा जाता है, जिसमें से यहाँ पे 3-4 बनाया गया है। ठीक है, तो ये सारा डिस्कशन हो चुका है, अब बाकी के बारे में आज की क्लास में बात करेंगे। यहाँ पे गारो खासी जयंतिया है, जो मेघालय के पठार के नाम से भी जाना जाता है, ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, ये हमारे हिमालय माउंटेन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इतना बात आप समझिए। अब नेक्स्ट इसमें आप देखेंगे कि कौन सा माउंटेन कहाँ पे है। तो सबसे पहले पश्चिमी तट पे और पूर्वी तट पे 2 माउंटेन आपको देख रहा होगा, एक पश्चिमी घाट और एक पूर्वी घाट। तो पहले ग्रीन कलर से जो बनाया गया है उसको पहले समझ लीजिए कि ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो हिमालय के निर्माण में हम पढ़े थे कि यूरेशियन प्लेट्स और भारतीय प्लेट का आपस में टकराहट हुआ, तो फिर उस तेथिस सागर के बीच मालवा में बलन पड़ा, तो फिर वहाँ से हिमालय माउंटेन का क्या हुआ, निर्माण हुआ। 3 बार ये पड़ा तो फिर ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय बना। लेकिन इसमें हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के फॉर्मेशन के बारे में, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में बताए थे कि ये जो हमारा भारत का दक्षिणी ये वाला पार्ट है, इधर अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो फिर समुद्री लहरें इधर सागर टकराने के, यहाँ पे नीचे जमीन के धसाव के कारण यहाँ पे इस माउंटेन का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक है, तो दोनों साइड में आपको पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट देखने को मिल जाएंगे। फिर पश्चिमी घाट के जस्ट बगल में यहाँ पे पतली संकरी पट्टी आपको मिलेगी, जिसका नाम होगा पश्चिमी तटीय मैदान, और इसके पूरब में एक पतली संकरी मैदानी इलाका मिलेगा, जिसका नाम होगा पूर्वी तटीय मैदान। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। अब नीचे आगे आगे इसके बारे में बात करेंगे, तो पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें उत्तरी वाला भाग उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी वाला भाग दक्षिणी सह्याद्री,
तो यहाँ पे उत्तरी सह्याद्री, बीच में मध्य सह्याद्री भी है और एक नीचे मंगलुरु है। मध्य सह्याद्री और मंगलुरु को मिला देते हैं तो ये दक्षिणी सह्याद्री कहलाती है और कंप्लीट रूप से इसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एक ये बात समझ गए। नेक्स्ट, अब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पे जाके मिलते हैं वहाँ पे किस माउंटेन पे दोनों जाकर मिलते हैं? तो ये दोनों मिलते हैं नीलगिरी माउंटेन पे, यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों माउंटेन एक जगह पे जहाँ पे मैच होता है उस माउंटेन का नाम है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है दोदाबेटा। ठीक है, आगे आपको नोट्स जो लिखाया गया है उसमें मिला होगा आपको दोदाबेटा नीलगिरी की सबसे मत सॉरी जहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं और नीलगिरी के जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है दोदाबेटा। यहाँ तो कोई दिक्कत। नेक्स्ट, उसके जस्ट नीचे जाएंगे तो अगली जो पहाड़ी आपको मिलेगी जिसका नाम होगा अन्नामलाई पहाड़ी। इस अन्नामलाई पहाड़ी के ही सर्वोच्च चोटी है जिसका नाम है अनाई मुंदी। इस अन्नामलाई पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है जिसका नाम है अनाई मुंदी। और ये जो अनाई मुंदी पहाड़ी है आपका, ये आपको मतलब यहाँ पे अनाई मुंदी ये दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है। पूरे भारत का सबसे ऊंची चोटी क्या है? केटू है, काराकोरम के सर्वोच्च पीक, हालांकि वो पीओके में है लेकिन भारत सरकार अपनी मानती है कि ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू। ठीक है, भारत में अवस्थित हिमालय में सबसे ऊंची चोटी है तो कंचनजंगा है। सिक्किम के में आपको कंचनजंगा ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। ठीक है, अब दक्षिण भारत के सबसे हाईएस्ट पीक बात करें तो अन्नामलाई के जस्ट ऊपर यहाँ पे अन्नामलाई है और इसी का सर्वोच्च हाईएस्ट पीक है अनाई मुंदी, जो इसका सबसे हाईएस्ट पीक है और दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। अच्छा, ये जितने माउंटेन, ये नीलगिरी या फिर ये अन्नामलाई या इलायची पहाड़ी, ये जितना दिख रहा है ये सब के सब पश्चिमी घाट का एक्सटेंशन है या पश्चिमी घाट पहाड़ी का ही क्या है विस्तार है। तो अनाई मुंदी के साथ तीन बातें अटैच होती है। एक तो ये अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी है, दूसरा ये पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है, तीसरा कि ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, तो इस बात को दिमाग में रखना, आगे कॉपी में लिखवा है आपका नोट्स में। ठीक है, नेक्स्ट इसके नीचे जाएंगे तो जो सबसे दक्षिणतम पहाड़ी भारत की मिलेगी उसका नाम है कार्डेमम या फिर इलायची की पहाड़ी। ठीक है, भारत की जो सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। ठीक है, अब इलायची पहाड़ी के ही ऊपर यहाँ पे एक महेंद्रगिरी चोटी है। ठीक है, और महेंद्र गोरी चोटी के ही इसका विस्तार है, ये मतलब इलायची का ही विस्तार है नागलकोइल पहाड़ी। यहाँ कन्याकुमारी के बगल में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है नागरकोइल, वहीं पे इस पहाड़ी का कुछ हिस्सा है जिसको नागरकोइल पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये इसका पूरा एक्सटेंशन है। ये जितना अभी चारों बात किए हैं ये चारों के चारों पश्चिमी घाट का क्या है विस्तार है या पश्चिमी घाट का ही भाग है, ये अलग से कोई माउंटेन श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो सबसे ऊपर है नीलगिरी, उसके बाद से अन्नामनाई, उसके बाद से कार्डेमम या इलायची। तो भारत का सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है कार्डेमम या इलायची और नीचे जाएंगे तो नागरकोइल, हालांकि ये पार्ट है किसका? कार्डेमम पहाड़ी का। ठीक है, अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी है अनाई मुंदी, जो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है और साथ ही साथ हमारा पश्चिमी घाट की भी सर्वोच्च चोटी है और साथ ही साथ अन्नामलाई पहाड़ी की भी सर्वोच्च चोटी है। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। तो ये इधर वाला चारों डिस्कशन हो गया। अब इसके साथ साथ छोटी छोटी और पहाड़ियां हैं जहां से एग्जामिनेशन में कभी कभी वहां के लोकेशन के कौन से एस्टेट में अवस्थित है तो वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे ए बी सी डी ई एफ 6 पहाड़ी यहां पे देख रहा है। ठीक है, तो ये कौन कौन है? तो पहला ए है आपका सतमाला पहाड़ी, मतलब ये आपका सतमाला पहाड़ी है। फिर उसके जस्ट बगल में बी आपका अजंता पहाड़ी है, फिर बालाघाट पहाड़ी है, फिर हरिश्चंद्र पहाड़ी है, नीचे आएंगे तो फिर बाबू बुदान पहाड़ी है और फिर उसके नीचे आएंगे तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। कोई दिक्कत परेशानी? तो ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ इधर से आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इस साइड में जाएंगे तो फिर एक आपको नल्ला मराई पहाड़ी मिलेगी, पालकोंडा, बालकोंडा और नगारी पहाड़ी। ये सब के सब कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये सब पूर्वी घाट का जो माउंटेन है उसके सब एक्सटेंशन है या उसी के सब क्या है? पार्ट है। ठीक है, नीचे जाएंगे तो 4 आपको तमिलनाडु में मिलेगी, सेवराई पहाड़ी सॉरी जवादी पहाड़ी, सेवराई पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी और सिरुमलाई पहाड़ी। ये चारों के चारों कहाँ पे अवस्थित है? तमिलनाडु में, क्योंकि ये तमिलनाडु का बॉर्डर है। इधर जाएंगे तो आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपका पश्चिमी भारत के पश्चिमी भाग में जो जितने सारे माउंटेन हैं उसका पूरा एक्सटेंशन और विस्तार कहाँ कहाँ पे है उसके बारे में यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी गई हैं। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट जहाँ पे मिलते हैं उसका नाम है नीलगिरी, फिर उसके बाद से अन्नामलाई, उसके बाद से कार्डेमम। यहाँ तक तो कोई दिक्कत परेशानी? ये मैप समझ गए पूरा बढ़िया से, बना लिए हैं इसको, नहीं बनाए हैं
तो वीडियो में रहेगा या फिर इसको टेलीग्राम पे जाएगा आप, सॉरी क्या बोलते हैं, टेलीग्राम पे इसको फिगर को डाल देंगे, आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट कुछ और बात लिखिए। अब एक मिनट देखो, तो एक थोड़ा सा मैप और बनाते हैं। ये मान लो कि नीलगिरी पहाड़ी है, बीच में एक गैप है यहाँ पे, ठीक है, पालघाट इसको बोलते हैं, पालघाट दर्रा इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर नीचे जाएंगे तो एक छोटा सा माउंटेन मिलेगा, ठीक है, नीचे एक छोटा सा माउंटेन मिलेगा, ठीक है। फिर नीचे जाएंगे तो ये आपका कौन सा हो गया, नीलगिरी, एक ये भी बना लो नीलगिरी, ये आपका पालघाट दर्रा है, पालघाट दर्रा है, ये आपका नीलगिरी के जस्ट नीचे कौन सा पहाड़ी था, अन्नामलाई, अन्नामलाई, और उसके बाद से था ये कार्डेमम। अब इसी का पार्ट यहाँ पे आपको मिलेगा नागरकोइल पहाड़ी। ये अलग होता है, यहाँ पे एक छोटा सा पास है सेनकट्टा दर्रा या सेनकोट्टा दर्रा। इसको बनाइए थोड़ा सेनकोट्टा दर्रा। अब ये कौन से माउंटेन किधर है, तो एक तरफ लिख दीजिए पर्वत और दूसरी तरफ लिख दीजिए अवस्थिति। कौन कहाँ पे है, अवस्थिति। अवस्थिति तो नीलगिरी जो माउंटेन है, नीलगिरी ये आपका है कर्नाटक, तमिलनाडु, और एक है इसका कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। शॉर्टकट समझ रहे हो ना, ठीक है। नेक्स्ट उसके नीचे है अन्नामलाई, ये आपका केरल में है और तमिलनाडु में है। और नेक्स्ट है नीचे कार्डेमम, ये भी आपका केरल प्लस तमिलनाडु है, केरल प्लस तमिलनाडु है, ठीक है। पालिनी पहाड़ी तो पूरी तरह से तमिलनाडु में है। और एक नोट करके नीचे आप लिख दीजिए नोट, ये सभी पहाड़ियाँ पहले लिखो उसके बाद से नोट लिखिए। नोट लिखे, ये सभी पहाड़ियां पश्चिमी घाट के, ये सभी पहाड़ियां पश्चिमी घाट के भाग हैं, सभी पहाड़ियां पश्चिमी घाट के भाग हैं। नेक्स्ट कुछ और बात देखो यहाँ पे। अब देखो ये जो आपका पश्चिमी घाट है ना, तो एक पूरा पैरेलल माउंटेन है, इसमें तीन चार दर्रा या पास पाया जाता है। दर्रा नाम सुने हैं, या इसी को बोलते हैं पास, पास मतलब पास देना, आप समझते हैं मतलब जाने आने का रास्ता। तो पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से निर्मित, मतलब नदी के द्वारा या कुछ अलग स्ट्रक्चर के द्वारा उसको काट दिया जाता है बीच से। जैसे ये है तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे बीच में से कट लगा दे कुछ इस प्रकार से, नदी से या किसी वजह से वहाँ पे प्राकृतिक रूप से कुछ आवागमन के लिए रास्तों का निर्माण हो जाता है, उसी को सामान्यतः तो पास या दर्रा के नाम से जाना जाता है। अब ये दोनों कनेक्टिविटी के लिए काफ़ी आवश्यक है। मान लो कि इधर जो लोग रहते होंगे और इधर जाना होगा, तो यह दर्रा का होना आवश्यक है, नहीं तो फिर आपको कैसे जाना पड़ेगा, पहाड़ को टपना पड़ेगा या फिर इधर से जाके इधर से आना पड़ेगा, मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है। इसलिए इन पासेस के से होकर आवागमन को सुगम बनाया जाता है। हिमालय के क्षेत्र में भी बहुत सारे पासेस हैं, ये पश्चिमी घाट में भी बहुत सारे पासेस हैं, तीन चार इंपॉर्टेंट है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। हिमालय वाला तो अलग से जब टॉपिक पढ़ेंगे हम, किसके बारे में, पासेस या भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में, तो हिमालय वाला लिख लेंगे, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। लिखिए पहला,
पहला लिखिए थाल घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा, ये आपका है महाराष्ट्र में, मुंबई से नासिक को जोड़ता है। नेक्स्ट देख लिखिए मुंबई टू नासिक, मतलब समझ रहे हैं, ये भारत का ये आपका हो गया। ये तो ये आपका पूरा पश्चिमी घाट हो गया, एक साइड यहाँ पे मुंबई है और एक साइड यहाँ पे नासिक है, तो बीच में ये कनेक्ट करता है, ठीक है। दूसरा लिखे भोर घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, ये भी महाराष्ट्र में है, भोर घाट दर्रा महाराष्ट्र में, और ये मुंबई एवं पुणे को जोड़ता है, मुंबई टू पुणे, मुंबई टू पुणे। नेक्स्ट पाल घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा, ये आपका है तमिल, सॉरी पाल घाट दर्रा है केरल में, केरल में, और ये कनेक्ट करता है पलक्कड़ टू कोयम्बटूर, जगह है ये कोयम्बटूर, पलक्कड़ टू कोयम्बटूर। और एक लास्ट देख लीजिए सेनकोट्टा दर्रा, जो लास्ट में देखे थे हम, सेनकोट्टा दर्रा, ये भी है आपका, सॉरी केरल में ये नहीं है, हाँ केरल में ही है, सेनकोट्टा दर्रा। ये कहाँ से, तिरुवनंतपुरम से मदुरई, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम टू मुंबई, तिरुवनंतपुरम टू मुंबई, ये चार पासेस आप लिख लीजिए दर्रे। तो ये था आपका पूरा भारत के, दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र या दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र। तो ज्योग्राफिकल कंडीशन में तीन हो गया, तीन नहीं चार हो गया, लिख दिए बोर्ड पे को, बोर्ड पे को। तो ये वाला टॉपिक कर रहे थे हम, भारत का भौगोलिक विभाजन, और भौगोलिक विभाजन में ये आपका हिमालय वाला हो गया था, हिमालय वाला, ठीक है। उसके बाद से ये मैदानी भाग हो गया था, मैदानी भाग के साथ साथ ही ये पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान हो गया था। अब इसमें देख लीजिए पूरा जो आपका प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है, अरावली वगैरह से लेकर ये सारा हो गया। अब बच गया कौन, मरुस्थलीय क्षेत्र एक बच गया है, और दूसरा आइलैंड या फिर द्वीप समूह बच गया है, ठीक है। इसको डिस्कस कर लेंगे, ये टॉपिक यहाँ से फिनिश हो जाएगा। तो अगला टॉपिक है भारतीय मरुस्थल या इंडियन डेजर्ट, जिसको अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी बोलो ना, जैसो जाके इसको बढ़िया से फिगर बनाओ ना, कि इसको रिवीजन करिएगा, तब जाके दिमाग में ये सब पहाड़ और पहाड़ी दिमाग में आएगा, नहीं तो फिर सब कन्फ्यूजन हो जाएगा।